अब तक ये एकेडमी 24,000 जवानों को ट्रेन कर चुकी हुई है। 24,000 काफ़ी बड़ा नंबर है और आप यकीन माने कि हर पंजाब के हर बंदे को जो आप लोगों की कामयाबी है वो ये पंजाब के हर बंदे को 1122 का नंबर ऐसे याद है जैसे कि कोई एमरजेंसी होनी है और उसके जहन में सिर्फ एक चीज़ आनी है, वो 1122 है। हमें फ़ख्र है अपनी इस एकेडमी पे, 1122 पे, और 1122 ने हमारा फ़ख्र और बुलंद किया जब टर्की में आप लोगों का ग्रुप एक गया और जाके वहाँ पे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, पंजाब का नाम भी रोशन किया और 1122 का नाम भी रोशन किया। हमारी इस टाइम पे 800 एम्बुलेंसेज हैं पंजाब में। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हर एम्बुलेंस में होना ज़रूरी है, AED एक इक्विपमेंट है जो मेरे जहन में पहले से था। जब किसी को हार्ट अटैक होता है या उसका हार्ट बंद हो जाता है तो उसको रिवाइव करने के लिए, उसको करंट देने के लिए वो इक्विपमेंट होता है, वो हमारी एम्बुलेंसेज में मौजूद नहीं है। तो मैं इनको फौरी तौर पर 800 एम्बुलेंसेज में 24 से 30 करोड़ के दरमियान जो वो इक्विपमेंट आएगा वो फौरी तौर पर तमाम एम्बुलेंस में प्रोवाइड करने का ऐलान करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम मेहमान जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो ग्रेजुएट होने वाले जवान जो सामने खड़े हुए हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे वो KPK, चाहे वो बलूचिस्तान, चाहे वो सिंध से हैं, आप लोगों को फ़ख्र होना चाहिए कि आप एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या एकेडमी से क्वालिफाई करके जा रहे हैं और आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग है। और सबसे ख़ास बात ये कि अभी जो सारी एक्सरसाइजेज देखने को मिली, किसी भी तरीके से किसी भी किस्म का रेस्क्यू हो, आपको हर तरीके से तैयार कराया जाता है, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो फायर के लिए आपको वज़न उठा के, अभी मुझे सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया कि उठा के लेके जाने वाली एक्सरसाइज हो, ये सब कुछ आप लोगों के लिए लाजमी है और जो बहुत इम्प्रेसिव और बहुत अच्छी चीज़ है। जो पंजाब से बाहर के जवान हैं वो डेफिनेटली यहाँ से ट्रेनिंग के साथ साथ मोहब्बत और प्यार का मैसेज साथ लेके जाएं कि यहाँ खाली ट्रेनिंग के अलावा आप लोगों को जिस तरह की यहाँ पे ख्याल रखा गया, जिस तरीके से आप लोगों को ट्रेन किया गया, वो डेफिनेटली पंजाब के लिए भी एक खुशी का मुकाम है, लेकिन हमारे सूबे सारे जितने भाई हैं उनके लिए भी। और अल्लाह ताला मुझे जिस तरह कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में अभी एक एकेडमी बनी, ट्रेनिंग रहती है वहाँ पर, कि वहाँ के लोग और प्रॉपरली इसको यूटिलाइज कर सकें, और कुछ जवान आए हुए भी हैं 60-70 के करीब, तो इंशाल्लाह ताला वो भी ट्रेन होंगे तो और बेहतर होगा। अब तक ये एकेडमी 24,000 जवानों को ट्रेन कर चुकी हुई है। 24,000 काफ़ी बड़ा नंबर है और आप यकीन माने कि हर पंजाब के हर बंदे को जो आप लोगों की कामयाबी है वो ये पंजाब के हर बंदे को 1122 का नंबर ऐसे याद है जैसे कि कोई एमरजेंसी होनी है और उसके जहन में सिर्फ एक चीज़ आनी है, वो 1122 है। हमें फ़ख्र है अपनी इस एकेडमी पे, 1122 पे, और 1122 ने हमारा फ़ख्र और बुलंद किया जब टर्की में आप लोगों का ग्रुप एक गया और जाके वहाँ पे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, पंजाब का नाम भी रोशन किया और 1122 का नाम भी रोशन किया। एक चीज़ और, हमारी इस टाइम पे 800 एम्बुलेंसेज हैं पंजाब में और वो एम्बुलेंसेज वन ऑफ द बेस्ट एम्बुलेंसेज हैं, जिसमें तकरीबन कोशिश होती है कि हर वो इक्विपमेंट मौजूद हो। उसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंसेज भी हैं जिसमें वेंटिलेटर भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हर एम्बुलेंस में होना ज़रूरी है, और अभी मुझे डॉक्टर रिजवान साहब ने बताया, ऑल्दो ये किसी चीज़ में कमी में रहने नहीं देते
लेकिन इन्होंने बताया कि AED एक इक्विपमेंट है जो मेरे जहन में पहले से था, और मैंने इसलिए उनसे स्पेशली पूछा कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है या उसका हार्ट बंद हो जाता है तो उसको रिवाइव करने के लिए, उसको करंट देने के लिए वो इक्विपमेंट होता है, वो हमारी एम्बुलेंसेज में मौजूद नहीं है। तो मैं इनको फौरी तौर पर 800 एम्बुलेंसेज में 24 से 30 करोड़ के दरमियान जो वो इक्विपमेंट आएगा वो फौरी तौर पर तमाम एम्बुलेंस में प्रोवाइड करने का ऐलान करता हूँ, और इमिडिएटली उसको जिस तरीके से भी है शकील साहब और बाकी डिपार्टमेंट के लोग उसको फॉलो करेंगे, और हम कोशिश करेंगे इसको जितना जल्द ऑर्डर कर सकते हैं हम करें, ताकि एटलीस्ट हर चौथा पेशेंट जो है उसको हार्ट का मसला आ रहा है, तो अगर कहीं पे किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए, वो एक ज़िंदगी भी बच गई जिस तरह वो तिलावत में कह रहे थे कि आपने एक ज़िंदगी भी बचा ली, आपने पूरी इंसानियत बचा ली, तो वो 24 करोड़ या 30 करोड़ का इक्विपमेंट मैटर नहीं करता, उसने अगर एक ज़िंदगी भी बचा ली तो उससे कितने हज़ारों लोगों की आपने दुआएं ले ली। तो एनीवेज वो इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे हम प्रोवाइड करेंगे, और आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात, और इंशाल्लाह ताला इस एकेडमी को इसी तरह और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाकयात यकीन के साथ।